138 दिन के बाद संसद में शिरकत करने पर एक ओर राहुल गांधी के समर्थकों द्वारा खुशी का आगाज किया गया, वहीं दूसरी ओर लोकसभा सत्र के दौरान भाजपा द्वारा फ्लाइंग किस मामले में हंगामा किया जा रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने इस पूरे मामले को सांसद राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश बताया। दरअसल कथाकथित मामले में संसद सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस देने का मामला भाजपा द्वारा उठाया जा रहा है, जहां सरकार की 21 महिला विधायकों ने सांसद राहुल गांधी के इस व्यवहार को अशोभनीय बताते हुए आवाज उठाई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश है। पुरुषों से साथ देने बात तो अब महिलाओं को आगे किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास हमारे नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है। राहुल गांधींनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर अजिबात मिळालेलं नाही, देऊ शकले नाही। केवळ प्रश्नाची टोलवाटोली होती, जो मूळ मुद्दा होता, ज्या पद्धतीनं मणिपूर पासून हा विषय सुरू झाला त्यावर बोलायला कुठले शब्द नव्हते। आता मला सांगा, राहुल गांधी काही आजचे खासदार आहेत का? आणि त्यांनी राजकारणात काही नवीन प्रवेश केलाय? बरं, प्रत्येकांना महिलांना असं कुठं आहे त्या चित्रीकरणामध्ये की ते बघूनच त्यांनी फ्लाइंग? हे सगळं जी कल्पित जे घटना घडवत आहेत ते केवळ राहुल गांधींच्या प्रश्नाचं उत्तर नाही, त्या विषयाला वेगळीकडे नेण्यासाठी आणि राहुलजींना बदनाम करायचं नवीन शस्त्र महिलांच्या माध्यमातून पुरुषाला जमलं नाही म्हणून महिलांना पुढे करून राहुलजींना बदनाम करण्याचं नवीन शस्त्र या लोकांनी शोधलं आहे। महाराष्ट्रातील देशातील जनता याला समर्पक उत्तर दे। जहां उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज भाजपा जनता की अदालत में अपराधी के रूप में खड़ी है और सरकार की ही महिला नेताओं द्वारा किए गए बिना सर पैर के आरोप जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक दल के नेता एक होकर साथ आते हैं तो विश्वास किसके ऊपर? क्योंकि आज तो पूरे पार्लियामेंट में आरोपी के पिंजरे में कौन खड़ी है? तो भाजपा खड़ी है, सरकार खड़ी है, और सरकार की पक्ष सत्ता पक्ष की महिलाएं गवाही खुद करके आती है, तो उसमें महाराष्ट्र और देश की जनता विश्वास नहीं रखेगी, ये मुझे पूरा विश्वास। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।